देखो यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए टेन थीटा, और टेन थीटा क्या क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओ थीटा का डी थीटा, ठीक है। ये तो डी एक्स की जगह आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू ए टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू यहाँ पे टू ए, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से क्या होगा, इस स्क्वायर रूट के अंदर ए कॉमन आके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, ठीक है। तो कोस इनवर्स साइन थीटा, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है, इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू टू ए इंटीग्रेशन ऑफ द कोस इनवर्स, कोस क्या हो जाएगा वन, तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू टू ए इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसको पाई बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस, यहाँ पे टू ए तो है यहाँ पे, और फिर माइनस इससे थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू पुट कर देंगे टी, टी से सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू टू ए इंटीग्रेशन ऑफ पाई, ये यहाँ पे भी पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो पाई बाय टू आ जाएगा बाहर, एंड टेन थीटा की जगह आ गया टी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी माइनस टू ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ से क्या लिखोगे तुम, टेन थीटा, सॉरी टेन इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह टेन थीटा की जगह आ गया टी, तो टी इंटू टेन इनवर्स टी, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा पाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू माइनस टू ए, अब इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे बाई पार्ट, ठीक है। तो बाई पार्ट लगाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे टेन इनवर्स टी कॉन्स्टेंट, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर जो कॉन्स्टेंट रखा था उसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इंटू डी टी। अब देखो I इज इक्वल टू पाई ए टी स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ टू ए माइनस टू ए से मल्टीप्लाई हो तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह आ जाएगा ए इंटू टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, टू से भी मल्टीप्लाई हो तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए तो कॉन्स्टेंट है यह आ जाएगा, और टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वन एंड माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे यहीं पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा टी माइनस वन अपॉन टेन वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन की जगह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो आई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई ए टी स्क्वायर बाई टू माइनस ए टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर एंड
फिर ए से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो माइनस ए टी, सॉरी प्लस ए टी माइनस ए टेन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम टेन थीटा से, टेन थीटा ही रखा था टी, तो टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई ए टी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस ए टेन इनवर्स टी, तो यहाँ से टेन इनवर्स टी क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है, तो ये आ गया थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स टी क्या है ए इंटू थीटा प्लस सी। अब थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा क्या है हमारे पास देखो, ये टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर टेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, तो देखो आई इज इक्वल टू पाई ए टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया था एक्स बाई ए, और टू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ए इंटू थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स बाई ए प्लस ए इंटू टेन थीटा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए माइनस ए इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट, ए से ये ए भी कैंसिल आउट, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई एक्स बाई टू माइनस टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए, देखो इसमें कॉमन आ रहा है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए, और अंदर क्या आ जाएगा वन प्लस ए, फिर इसमें क्या आ जाएगा प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये इसका फाइनली अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इजी है।